हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हुमा खान के ब्लॉग में बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जैसे बज गया है 10:30, रात का टाइम हो गया है, मेरे घर में हो गई है रात। और मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है और मेरे हस्बैंड सो गए हैं बच्चों को लेकर। अभी मैं दिखाती हूँ बच्चे कहाँ पर सोए हैं, क्योंकि बच्चे तो हमारे पास ही सोते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। बच्चे हमारे पास ही सोते हैं, बच्चों ने खाना वाना खा लिया है और सो गए, उनके लिए हो गई रात क्योंकि बीच बीच में वो ब्रेक लेते रहते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये सो रहा है हमारा काशू, और वो देखिए वो सो रही है चांदनी, और ये सो रहे हैं इनके अब्बा। ये तीनों सो रहे हैं, देखिए चांदनी कैसे सोती है हमारी, घुस के हम ही लोगों के पास है। तो ये मेरे पास सोएगा क्योंकि मेरा वेट कर रहा है ये। तो काशु हमारे पास सोता है, बच्चे दोनों हमारे लोगों के पास ही सोते हैं क्योंकि हम लोग अलग नहीं लेटा। तो गाइज, हम लोग इन लोगों को बिल्कुल अलग नहीं लिटालते हैं अपने से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अलग लिटालना, बहुत बेकार लगता है। तो ये मेरे पास ही सोते हैं। अभी तो मेरी बड़ी पूसी भी मेरे पास सो रही थी, वो अभी बाहर गई है टेरिस पे, थोड़ा बाथरूम वाथरूम करने गई होगी, फिर अभी आ जाएगी। तो वो भी हमारे पास ही सोती है, सब बच्चे हमारे पास ही सोते हैं क्योंकि हम लोग कोई भी अलग नहीं सोते हैं, क्योंकि तीन ही तो लोग हैं, चार लोग तो वो भी अलग अलग सोए तो सही नहीं है। और फिर हम लोग के पास रूम भी नहीं है, एक ही रूम है, तो हम सब बच्चे समेत एक साथ ही सोते हैं और मुझे अच्छा लगता है। अब मैं भी लेट नहीं जा रही थी तो मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने कहा मैं थोड़ी आप लोगों से गपशप कर लेती हूँ। तो मैं गपशप कर रही थी, बातचीत कर रही थी आप लोगों को। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में अभी तक ये नहीं बताया कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, कैसे नहीं, आप लोगों को किस तरीके से दिखाना चाहिए, आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। तो मुझे जैसा भी आप लोग बताएंगे मैं वैसे ही ब्लॉग बनाऊंगी, और मैं फुल कोशिश अपनी तरफ से करती हूँ कि मेरा ब्लॉग अच्छा हो, आप लोगों को अच्छा लगे, और जैसे जो मेरे मन में बात होती है मैं क्लियर बोल देती हूँ। मैं कोई अलग से नहीं बनाती हूँ, मुझे सब अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना, क्योंकि मेरी तो आप लोग यूट्यूब फैमिली फैमिली है मेरी, तो मैं तो अपनी फैमिली में हर बात शेयर करती हूँ। तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि कोई बात छुपाऊँ, छुपाती नहीं हूँ। और देखिए, जैसे मैंने बोला था मेरी मम्मी मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट करती है मेरे बर्थडे पर, तो देखिए आपके नवंबर में ये गिफ्ट करे थे मुझे, गोल्ड के हैं। देखिए मैं जैसे बताती हूँ, 12 नवंबर मेरा बर्थडे आता तो मेरी माँ को मेरा बर्थडे याद रहता, तो इस बार मुझे ये गिफ्ट किए थे, मुझे अच्छे भी लगे। इससे बड़े ले रही थी तो मैंने कहा बड़े मत लेना क्योंकि जो है मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे सोबर चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, सिंपल, क्योंकि ये डेली यूज़ में भी पहन लो, और जो भारी भारी से होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि उनसे कान भी लटक जाते हैं। ये भी मेरी माँ ने दिए थे, मुझे अच्छे लगते हैं उनके गिफ्ट सारे गोल्ड के ही होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ये सोचती होंगी कि एक एक करके चीज़ बढ़ा दूंगी तो उसके पास कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ही गरीब हूँ अपने बहन भाइयों में, तो इसलिए मैं भी किसी ना किसी तरीके से मदद करती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि वो मदद करती हैं मेरी, मुझे ये अच्छी तरीके से पता है। तो कहते नहीं, माँ तो माँ ही होती है, सबकी अच्छी माँ होती है, मेरी तो बहुत ही अच्छी हैं, सभी की अच्छी होती हैं, खैर माँ तो माँ ही होती है। ये भी देखिए, ये जो मैं नोज पिन पहने हुई ये भी गोल्ड की है, ये भी मेरी माँ ने दिया था। मेरी सारी चीज़ें मेरी माँ की ही होती हैं, गिफ्टेड ज़्यादा होती है मेरी चीज़ें, गिफ्ट ज़्यादा मिलते हैं मुझे। तो आज पता मैंने क्या करा था, आज मैं नाश्ते मैंने अंडे खा लिए थे उबले हुए, वाइल्ड अंडे। तो मेरे बहुत तेज दिन भर आज दर्द रहा सर में, क्योंकि वो गैस बैस बनी तो मेरे बनी गैस है, तो दिमाग पे बहुत भारी पन रहा है। मैंने टैबलेट भी ले ली, तो मुझे अब ये पित्ता वित्ता तो है नहीं, तो इसलिए कुछ चीज़ हज़म नहीं होती, तो मुझे अच्छी नहीं लगता। मैं उनको मना भी करती हूँ, कहने लगे कभी कभार ले लिया करो, मैंने ले लिए थे तो सही नहीं था। तो आज का दिन तो मेरा ऐसे ही निकला क्योंकि तबीयत खराब रही, दिमाग में दर्द रहा बहुत ज़्यादा। जितना दिमाग में मेरा दर्द रहा, मैं सोच रही थी आराम कर लूँ, सो जाऊँ, लेकिन मेरे पास उतने ही फ़ोन इतने आए कि मेरे अभी फ़ोन रुका है, इतनी मैंने फ़ोन करे। मेरी बाजी का फ़ोन आ गया, मैं उनसे बात करती रही, फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, मैं उनसे बात करती रही, वो बाहर गए हुए थे, फिर मेरे भाई का फ़ोन आ गया, मैं उनसे बात करती, फिर मेरी माँ का फ़ोन आ गया, मैं उनसे बात करती रही, फिर मेरे भाई बाहर गए थे, फिर ले फ़ोन करा मुझे बाहर जाके, फिर उसके बाद घर पे आए, फिर मेरी माँ से बात कराई। तो अब भी जस्ट रखा है मैंने फ़ोन, मैंने जितना मैं कह रही थी सर में दर्द हो रहा है आराम कर लूँगी, उतने ही मैंने कॉल पे बात करी, फ़ोन पे दिमाग में दर्द बना रहा। तो मुझे अब मैं सोच रही रहा
तो ये बच्चे अगर आराम करने देंगे और सही से सोते रहे, वैसे तो सही से सोते हैं, सुकून से, कोई वो नहीं करते परेशान मुझे रात में, तो ये सोते रहेंगे तो मैं भी सोती रहूँगी इनके सहारे से, क्योंकि जो है ये उठ जाते हैं बातों बातों के लिए, तो मुझे भी उनके साथ में उठना पड़ता है क्योंकि मेरा काशू डर जाता है अक्सर, तो इस चक्कर में मैं उठ जाती हूँ। तो मुझे आज तो बस भैया इतनी बात करूँगी मैं, क्योंकि जो है आज आप लोगों से सॉरी ज़्यादा बात करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी आज ज़्यादा बात, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी तक दर्द हो रहा है, ये सब दर्द हो रहा है, इतनी मैंने बातचीत की है, तो आज के लिए तो सॉरी। और दूसरा मेरा ब्लॉग जो आएगा उसमें करूँगी मैं बातचीत, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करिए, और नया है तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, और मुझे मौज पे भी मैं हूँ, मेरी आईडी आप लोगों को पता है हुमा फ़हीम खान से है, तो जाकर वहाँ पर इंजॉय करिए और मेरी जो है सारी वीडियोस देखिए, और मुझे गिफ्ट देके सपोर्ट करिए प्लीज़। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहना पड़ रहा है दोबारा दोबारा से कि मुझे गिफ्ट दे के सपोर्ट करिए, गिफ्ट दे के सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मौज पे जाइए, और मेरे ब्लॉग तो आप लोगों को पता नहीं कैसे लगते हैं कैसे नहीं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ मेरे सपोर्ट करिए मुझे, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट्स करिए, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए फटाफट से, और दीजिए हुमा को खान को, आपकी अपनी हुमा खान को इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।